नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ओलंपिक खेलों के बाद टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स का आगाज हो चुका है। पैरालंपिक गेम्स में भारत ने हमेशा अपना परचम लहराया। कुछ ऐसे ही इरादों को लेकर भारतीय खिलाड़ी इस बार भी टोक्यो पैरालंपिक्स के मैदान में उतरेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत शुरुआत से पैरालंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि हमारा देश बाद में इन खेलों का हिस्सा बना था। पैरालंपिक गेम्स इंटरनेशनल स्टॉक मैंडविले गेम्स फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किए जाते हैं। 1948 और 1952 में युद्ध लड़ने वाले पुराने सैनिकों के लिए स्टॉक मैंडविले गेम्स आयोजन के बाद 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक्स गेम्स आयोजित किए गए थे। रोम में पहली बार पैरालंपिक्स में 18 देशों के 209 एथलीटों की भागीदारी रही, लेकिन भारत ने 1960 और 1964 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया था। 1988 में सियोल में पैरालंपिक्स शब्द को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मंजूर किया था। भारत ने 1968 में इजराइल के तेल अवीव में पैरालंपिक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई। उस भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 10 एथलीटों को भेजा गया था, जिनमें से 8 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी शामिल थी। हालांकि भारत इस आयोजन से खाली हाथ लौटा, लेकिन बड़े मंच पर प्रदर्शन करना भारत के पैरा एथलीटों के लिए पहला अनुभव था। इसके 4 साल बाद 1972 में जर्मनी के हाइडलबर्ग में हुए पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीता। ये पदक जीतने वाले पैरा स्विमर मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए 37.331 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। आयोजन में हिस्सा लेने वाले 42 देशों की टेबल में भारत एक पदक के साथ 24वें नंबर पर रहा। 1972 में पहला स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने पैरालंपिक में पहला धमाका किया था। हालांकि इसके बाद 1976 और 1980 के गेम्स में भारत ने हिस्सा नहीं लिया और इसके बाद सीधे 1984 के गेम्स में भारत शामिल हुआ था। 1984 के समर पैरालंपिक्स 2 अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए थे। यूके के स्टॉक मैंडविले में रीढ़ की हड्डी की चोट वाले एथलीटों के लिए व्हील चेयर प्रतियोगिता, जबकि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के मिशेल एथलेटिक्स कॉम्प्लेक्स और हॉफ्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में सेरेब्रल पाल्सी, एम्प्यूटेस और लेस ऑट्रेस के साथ व्हील चेयर और एम्बुलेंसरीज प्रतियोगिता निर्धारित की गई थी। भारत इस पैरालंपिक्स में अभी तक के सर्वाधिक 4 पदक हासिल करके दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से 37वें पायदान पर रहा। इस प्रतियोगिता में जोगिंदर सिंह बेदी भी शामिल थे, जिन्होंने देश को ये उपलब्धि हासिल करने में मदद की थी। बेदी ने पुरुषों के शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता, फिर डिस्कस और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। भीमराव केसरकर ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर भारत को 4th पदक दिलाया था। 1984 में अपने सर्वाधिक पदक जीतने के बाद तो पैरालंपिक में भारत की तकदीर ही पलट गई। भारतीय खिलाड़ियों ने 1988 से 2000 तक पोडियम पर जगह पाने के लिए संघर्ष किया। 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में भारत के लिए पदकों का सूखा खत्म हुआ। इसमें भारत ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर 53वां स्थान हासिल किया। इसके बाद 2004 में देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, जबकि राजेंद्र सिंह ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग के लिए कांस्य पदक जीता। 4 साल बाद बीजिंग में भी भारत के हाथ खाली रहे। फिर 2012 के लंदन पैरालंपिक्स में भारत के एचएन गिरीशा ने पुरुषों की हाई जंपिंग की F42 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता। इस संस्करण में भारत आज तक ये एकमात्र पदक ही हासिल कर पाया था। 2016 में भारत ने रियो के पैरालंपिक्स के मैदान पर 4 पदक अपने नाम किए थे। एथलेटिक्स में मिले ये पदक भारतीय पैरालंपियंस को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी थे। मरियप्पन थंगावेलू और देवेंद्र झाझरिया ने हाई जंप और जेवलिन थ्रो में 1-1 स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपा मलिक ने भी शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता। वरुण भाटी ने हाई जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में पहले से ही तीरंदाजी, एथलेटिक्स और निशानेबाजी की 14 प्रतियोगिताओं में 20 स्थानों पर अपनी जगह पक्की कर रखी है। खासतौर पर हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा पैरालंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने। 2016 रियो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलू भी भारतीय दल का हिस्सा हैं।
देश को उम्मीद है कि इस बार की कामयाबी भारत के लिए रियो पैरालंपिक्स में मिली कामयाबी से भी बड़ी होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। नमस्कार।